नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हम खड़े हैं वसई के YMCA ग्राउंड में। आज यहां वसई अंतरशाले कला क्रीड़ा महोत्सव शुरू है। यहां हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ लाड साहब है जो इस साल द्रोणाचार्य पुरस्कार में विजेता साबित हुए। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार नाम से ही मालूम पड़ता है कि एक गुरु को मिलने वाला पुरस्कार है जो अपने शिष्य तैयार करता है। अक्सर हर फील्ड में अलग अलग लोग जो है वो अपना नाम करते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई रहता है। तो हमारे देश की सरकार एक द्रोणाचार्य पुरस्कार देती है, वो एक खिलाड़ी को खिलाड़ी बनाने वाले को देती है। तो हम इनसे सीधा मुलाकात करते हैं। लाड साहब नमस्कार। नमस्कार सर, अपना पूरा परिचय एक बार दीजिए। पूरा परिचय है, मेरा नाम दिनेश जवाहर लाड है। मैं लास्ट 28 से 30 साल से कोचिंग फील्ड में हूँ। मैं जिस स्कूल को करता हूँ, स्वामी का इंटरनल स्कूल, उस स्कूल को मैं 28 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। ये मेरा परिचय है। पहले आपको जो द्रोणाचार्य पुरस्कार अभी समय शासन ने जाहिर किया है, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो बताइए। प्रतिक्रिया तो बहुत ही खुश हूँ मैं, क्योंकि लास्ट 28 से 30 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और इस फील्ड में मैंने जो काम किया, यानी मैं लास्ट 28 साल से कुछ भी नहीं लेके मैं आज ये काम कर रहा हूँ, तो उसका मुझे फल मिला है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे जो अवार्ड दिया है, बहुत ही खुशी हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये हो रही है कि मेरे गुरु आचार्य सर, उनको 32 साल पहले एक अवार्ड मिला, 1990 में अवार्ड मिला था और उसके बाद मुझे मिल रहा है। यानी मैं हर वक्त यही बात कर रहा हूँ कि एक द्रोणाचार्य ने द्रोणाचार्य बनाया, क्योंकि मेरे गुरु ने तो बहुत सारे क्रिकेटर्स दिए देश के लिए, बट उन्होंने द्रोणाचार्य नहीं बनाया था, लेकिन आज मैं मुझे द्रोणाचार्य मिला है तो बहुत ही खुश हूँ। उन्होंने आज द्रोणाचार्य बनाया, ऐसे मुझे लग रहा है। सर, अब बात करूँगा कि आपके शिष्य जिसमें रोहित शर्मा का नाम है, बड़े बड़े नाम है, शार्दुल ठाकुर का नाम है और भी बहुत लोग हैं। ये लोग जब खेलते हैं फील्ड पर और अपने देश का नाम देशी में नहीं विदेशों में भी रोशन करते हैं, तब आपकी फीलिंग क्या होती है, तब आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा महसूस, क्योंकि जिस रोहित को मैंने 12 साल का तभी देखा था, जिस रोहित को जब वो बॉलिंग करता तभी मैंने देखा था, उसको बाद में मैंने बल्लेबाज बनाया। आज दुनिया का सबसे नंबर वन बल्लेबाज है वाइड बॉल के लिए। और शार्दुल को जब भी मैंने देखा था, तो शार्दुल को भी मैंने जब घर पे रखा तो मुझे बहुत खुशी होती कि शार्दुल भी आज जो काम कर रहा है, जो नाम कर रहा है, यानी जिस तरह से इंटरनेशनल पे जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही खुशी होती कि आज। और ये बात मैं बहुत ही तहे दिल से कह रहा हूँ कि ये जो मुझे अवार्ड मिला है, इसका सबसे बड़ा कारण जिस बच्चों ने, यानी रोहित, शार्दुल, मेरा बेटा सिद्धेश लाड है, देन हरमीत सिंह जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला वो है, सुवेद पारकर है, बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनके वजह से आज मुझे अवार्ड मिल रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। सर, आज आप वसई विरार के अंतर्गत ये शाले कला क्रीड़ा में शामिल हुए, तो इसके बारे में, इसके अनुभवों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो ऐसे अगर क्रीड़ा महोत्सव होते तो बहुत ही अच्छा लगे। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये यहाँ के लोग, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्रिकेट में, क्रिकेट ही नहीं बोल रहा हूँ, हर स्पोर्ट्स में बच्चे इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने की कि इन्होंने क्रीड़ा महोत्सव चालू किया, और मैं इनको बहुत ही बधाई देता हूँ, और मैं चाहूँगा कि इस क्रीड़ा महोत्सव से बहुत सारे बच्चे देश के लिए खेले और देश का नाम रोशन करें। सर, आखिरी सवाल कि आज की नई पीढ़ी को, यंगस्टर को, जो आपने अभी बोला कि मोबाइल में सारा दिन रहते हैं, उनको आप ये जो शारीरिक रूप से व्यायाम, एक स्पोर्ट्स उसमें सबसे बड़ा अहमियत रखता है, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, बिकॉज कि मोबाइल से आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। मोबाइल एक गलत चीज़ है, मोबाइल में अच्छी चीज़ें आप देखते ही नहीं, आप गलत ही चीज़ें देखते हो, तो मोबाइल से आप दूर रहो और मैक्सिमम आप पढ़ाई और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट दिखाओ अपना, और किसी भी, कोई भी स्पोर्ट्स में आपको अगर इंटरेस्ट है, ना कि मैं ये बोलूँगा कि आप क्रिकेट में, हर स्पोर्ट्स में आपको, जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उस स्पोर्ट्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, आपको यश आराम से मिल जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा है। सर, मैंने पहले मेंशन किया था आखिरी सवाल, लेकिन एक और चीज़ मुझे याद आई कि आपके जो इस इतने सालों का जो ये पूरा एक समयावधि है, इसमें आपको किस तरह के चैलेंजेस मिले, आज भी आपके सामने क्या परिस्थितियां हैं और आपको शासन से ऐसी क्या उम्मीद है?
चैलेंजेस तो नहीं मिले, क्योंकि जिस स्कूल को मैं कर रहा हूँ स्कूल का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। क्योंकि अगर स्कूल का सपोर्ट नहीं मिलता, जो स्कूल में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल बोरोली में जो स्कूल है, बहुत ही सपोर्ट किया उन्होंने, क्योंकि मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थे सब मुझे प्रोवाइड की। जब स्कूल में मैंने शुरू शुरू में क्रिकेट चालू किया तभी एक सीमेंट विकेट थी, उसके बाद मुझे टर्फ विकेट भी बनाने के लिए उन्होंने दिया, और इसके वजह से इतने बच्चे वो स्कूल के मुंबई स्टेट के लिए खेले। बट प्रॉब्लम ऐसी है कि स्कूल का ग्राउंड बहुत छोटा है, बहुत ही यानी पॉसिबल ही नहीं कि वहाँ से बच्चे, बट फॉर्चुनेटली उस स्कूल से इतने बच्चे देश यानी स्टेट के लिए खेले, देश के लिए खेले। बट मैं शासन के पास लास्ट 2 साल से कह रहा हूँ कि मुझे एक अच्छा ग्राउंड मिले, हालांकि मैं उस ग्राउंड पे बच्चों को मैच खिलाए, क्योंकि जब तक बच्चे मैच नहीं खेलेंगे तब तक बच्चे तैयार नहीं होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करके बच्चे तैयार नहीं होते। अगर आप मैच खेलोगे तो डेफिनेटली बच्चे, तो मैं शासन को कहना चाहता हूँ कि मुझे जिस जगह पे मैं रहता हूँ बोरोली में, या तो बोरोली दहिसर मलाड या गोरेगांव या कंदीली, उस जगह पे बहुत सारे जो ग्राउंड्स है उसमें से एक ग्राउंड अगर मुझे मिल जाएगा तो और बच्चे मैं महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए और देश के लिए तैयार कर सकता हूँ। थैंक यू सर। तो हम बात कर रहे थे लाड साहब से और उन्होंने पूरी तरह से बताया कि क्या क्या इनके अनुभव है और किस तरह से आज के समय में स्पोर्ट्स की एक अहमियत है। जहाँ एक तरफ स्पोर्ट्स इन दिनों ख़त्म होते जा रहा है, वहीं इनके जैसे महानुभव वो स्पोर्ट्स को जगाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं उसको लेकर शासन को भी ज़रूर इनकी मदद करनी चाहिए। जो जहाँ जो कमियां है वो शासन को पूरी पूरी करनी चाहिए, ताकि आगे और भी हमारा देश का जो आने वाला युवा पीढ़ी है उसका भविष्य उज्ज्वल हो सके। अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।